नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। बीते दिनों भूमाफिया मामले में आजम खान पर 8 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद से ही आजम लगातार सुर्खियों का हिस्सा बन गए। इस बार उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद आजम खान एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। आजम खान का कहना है कि मॉब लिंचिंग देश की एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो आजादी से लेकर अब तक चली आ रही है। आजम खान ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देश के बंटवारे के वक्त मुसलमानों के पाकिस्तान ना जाने से छोड़ दिया है। आजम खान ने कहा है कि मुसलमान 1947 के बाद भी सजा भुगत रहे हैं। एक दौर था जब सपा की सरकार में सुपर सीएम कहे जाने वाले नेता आजम खान की रामपुर में तूती बोला करती थी, लेकिन पिछले दिनों भूमाफिया घोषित होने वाले नेता आजम खान की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सपा सांसद आजम खान का कहना है कि 1947 में मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए, ये मौलाना आजाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से पूछिए, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों से वादे किए थे। इसी के साथ आजम खान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि बापू के अपील के चलते मुसलमानों ने पाकिस्तान का रुख नहीं किया, क्योंकि बापू ने मुसलमानों से कहा था कि ये देश तुम्हारा है, लेकिन अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और मॉब लिंचिंग को लेकर बयान देते हुए आजम खान ने यह भी कहा कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो उन्हें यहां ये सजा नहीं भुगतनी पड़ती। जाहिर है कि इस बयान के बाद आजम खान मुश्किल में पड़ गए हैं। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सांसद आजम खान पर पुलिस ने बुधवार को 8 मुकदमे दर्ज किए, जिसके बाद से उनकी परेशानी कायम है। ये सभी मुकदमे रामपुर स्थित आलियागंज गांव के किसानों की ओर से कराए गए, जिनमें उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का संगीन आरोप लगा है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसी के साथ आपको बता दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी @FirstBite।